वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी? तो आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट इंदिरापुरम। वो वहाँ पे जो डी मार्ट का जो स्टोर है वो मतलब अच्छा लगता है हमें, और पार्किंग भी काफ़ी सही है, तो हम लोग वहीं जाना प्रेफर करते हैं। तो आज रमेश की छुट्टी है तो हमने बोला चलो चल देते हैं, मौके का फ़ायदा उठाया जाए। लड्डू से मिलिए। और कल पता है क्या हुआ? कल इसने पता नहीं कैसे अपनी उंगली काटी है, दांत से चबा के पता नहीं कैसे पूरा खून। और मैं बस थोड़ी टाइम के लिए नीचे गई थी जस्ट ऐसे ही वॉक करने के लिए, और मतलब 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही मैं ऊपर आ गई थी, लेकिन पता नहीं आके देखा तो इसने कांड कर दिया। तो अभी ठीक है, ये वाली उंगली इसने काटी थी और कुछ समझ ही नहीं आया कैसे, मतलब पूरा ये पूरा ऐसे करके काट दिया और इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, इतनी ज़्यादा। तो हम भी इज ओके। तो मॉम मुझे फ़ोन कर रही थी, मैं फ़ोन लेके भी नहीं गई थी, फिर मॉम ने रमेश को फ़ोन किया तो रमेश तो भागा भागा आया। मैंने वीडियो कॉल पे दिखाया उसे बाद में ना, तो वो भागा भागा आया कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हुई है। तो चलो हम चलते हैं अभी आज डी मार्ट, और महीने भर का राशन जो है वो उठा के लेके आते हैं। अच्छा है ना, एक बार में ही सारा महीने का हो जाता है ना, तो फिर सही रहता है, बार 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 जाना नहीं पड़ता सामान लेने के लिए। तो चलिए चलो। तो बिल्कुल स्टार्टिंग सेक्शन से स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ना ऐसे बिस्किट्स के ना बड़े बड़े पैक मिल जाते हैं जो कि नॉर्मली स्टोर में नहीं मिलते, तो ये अच्छे प्राइजेस पे थे, ये बिल्कुल ग्रैब कर लिया है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बाय वन गेट वन थी, जैसे कि केलॉग्स हो गए, चिप्स हो गए और केक्स हो गए, इस टाइप के ना जो मैं लड्डू के लिए लेती हूँ थोड़ा बहुत इवनिंग स्नैक्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सही से मिल गए। कोल्ड ड्रिंक भी बहुत सस्ती मिल गई है, और मतलब अच्छा रहता है डी मार्ट में आके ना, ये सारी चीज़ें अच्छी मिलती है। तो हम लोग तीन दिशाओं में लग पड़े हैं। मैं स्नैक्स वगैरह देख रही हूँ, मॉम आटा चावल देख रही है, रमेश अपना ये कोल्ड ड्रिंक देख रहा है, और यहाँ का सेक्शन और है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले ना ग्रोसरीज निपटा लें और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो फटाफट ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। ओह, आपने क्या क्या सामान ले लिया? ये लड्डू ने सामान लिया इतना सारा, बिल करा लिया? ओए, कितनी बड़ी ट्रॉली लेके चल रहा है, बिल करा लिया? चेकिंग करा लो। आंसू कितने मोटे मोटे टपक रहे हैं। लड्डू चलो बिलिंग करा लो। चलो आओ, करा लिया, बिलिंग हो गया। चलो आप पी करेंगे। हम ले चुके हैं, एक राउंड शॉपिंग हो गई है, अभी थोड़ा बहुत अंदर और थोड़ा बहुत सामान लेंगे,
क्योंकि बहुत सारा हो गया था, हमने बोला कि इतने एक पहले बिलिंग करा लेते हैं, दो दो ट्रॉली लेके घूमना बहुत मुश्किल था, तो अब फिर दोबारा से चलते हैं और कुछ और चीज़ें हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ किचन के बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स थे, लेकिन मतलब मैं देख देख के काम चला रही थी, कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मे बी शायद अभी नेक्स्ट मंथ ना हमारा प्लान बने शिफ्ट करने का, तो फिर कुछ खरीदना मतलब सेंस नहीं बनता है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार शिफ्ट हो जाए तब देखेंगे। और यहाँ पर मतलब मैं लड्डू को संभाल रही हूँ और रमेश दूसरी तरफ अपना ना कुछ टी शर्ट वगैरह ऐसे ही देख रहा है रेगुलर वेयर के लिए। तो यहाँ देखिए ये सारी चीज़ों से मैं भी कंट्रोल हूँ और मैं मिलाती हूँ रमेश से। तो ये देखिए, प्यार एक आर्ट है और मैं एक इंजीनियर हूँ, इतनी हंसी आ रही थी इस टी शर्ट को देखकर। तो कुछ इस टाइप की टी शर्ट हम देख रहे थे, इंजीनियर हूँ भगवान नहीं। रमेश की मतलब ले लो यार, नहीं यार जब तुम्हारे बिल्स पूरे नहीं होंगे ना यही बोल दिया करना, इंजीनियर हूँ भगवान नहीं हूँ, जो कर दूँ जल्दी जल्दी। वो देख रमेश इसका क्या करूँ, ओए क्या करूँ इसका, रखो चलो रखो जल्दी रखो। रमेश कह रहा जम तो नहीं गई, ये जम ही तो गई, कितना फोन किया है मैंने, एक ही आया फोन बस। तो क्या करना है, गाड़ी ऑफ करने के लिए बोला था मैं एसी में ठंडा कूल हो गई, कूल कूल ठंडा ठंडा, रमेश कह रहा बर्फ जम गई होगी मम्मी की, तो कुल्फी जम गई होगी, बंद कर दो एसी। हाँ हो गया, बादामी में इतनी भीड़ क्यों होता है, बताओ जो भी करना बताओ, मैं फिर इधर उधर मोड़ नहीं पाता, यही यही खिला दो यार। और मेरी करवा चौथ की साड़ी कहाँ गई, ऑनलाइन तो मंगाएगी, उसके दुकान में नहीं था, तो फिर कहाँ खाना है, अब करवा चौथ के सामान किधर लेना है, वो उधर की तरफ जहाँ से हमें जूता मंगाया था शिप्रा मॉल की तरफ, तो खाने पीने की कर ले पर कोई, तो देख लेते हैं अच्छी जगह कोई यहाँ पे हो तो। करो ये ओ पिजन साइड में करो ना स्कूटी के पास, तुम इसको संभालो, तुम्हारे चक्कर में ना ये आगे बैठ रहा है, मैं चलाती हूं, जल्द जल्द मैं उतर रहा हूं, चल चल तू पापा के पास बैठ जा, मैं फोन रख घुमा कर ले, क्या हो गया बेटा को, बाप बेटे को छोड़ दिया, मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी साड़ी वगैरह देखने के लिए, यहाँ अच्छी मिल जाती है, मैंने ऑनलाइन देखी थी वो पसंद नहीं आई थी, दो तीन मैंने रिटर्न कर दी, मैंने बोला अभी आए हैं तो देख लेते हैं। तो शॉपिंग बहुत हो गई है और बहुत भूख लग रही है, तो हम लोग आ गए हैं अपने ही जगह में, और बादामी ऑल टाइम फेवरेट हमारा, तो बस अभी हम लोग लंच करेंगे, यहाँ लड्डू को थोड़ा बिजी रख रहा है रमेश, और ये रही मैं और ये रही मॉम, और ये रहा हमारा खाना, और खाने में हमने मंगाया है बटर नान, शाही पनीर और सोया चाप, और मतलब कढ़ाई सोया चाप, और मतलब आजकल हमें ये कढ़ाई सोया चाप हम लोग मेन्यू में ज़रूर रखते हैं जब भी हम बाहर खाते हैं। तो ये रहा हमारा खाना और हम अब चलिए जल्दी खाएंगे खाना, और चलिए आप लोग भी ज्वाइन कीजिए हमें। मम्मी पेट भरा, अरे भाई मैंने मेरा तो कुछ ज्यादा ही भर गया, लेकिन लास्ट में ज्यादा हो गया, दो ही मंगाने थे तीन के, यार नान की कैलकुलेशन हो रही है, ज्यादा ही हो गया आज तो, बहुत ज्यादा खा लिया लड्डू, लड्डू लड्डू की न्यू कार दिखाओ, ये है ये वाला लिया आपने, ये वाला कच्ची रही, लड्डू को पसंद आया, अब नहीं खा पाऊंगी, साड़ी लेने गए थे, साड़ी तो कुछ ज़्यादा अच्छी मिली नहीं मेरे को, मैं एक्चुअली ले रही थी करवा चौथ के पर्पस से, और क्योंकि ब्लाउज़ वगैरह फिर अकॉर्डिंगली बनानी पड़ती है, अभी तक मैं दो साड़ियाँ ऑनलाइन देख चुकी हूँ, लेकिन दोनों आकर मैंने फिर रिटर्न कर दी, अच्छी नहीं लगी, अब एक और मंगाइए वो देखते हैं,
और अभी जब देख रही थी तो वो भी कुछ पसंद नहीं आई। ये पूरी कलाकार ये सामान कब उठाएगी साला ड्रामे साला ब्लॉग हो ही नहीं सकती, ये सामान कब उठाएगी, ये ब्लॉगिंग ज्यादा करेगी है। किधर रखना होता ले एक दो यार उसमें। तो अभी ये सारा ना अभी हमने बेडरूम में रखा है ये सारा ग्रोसरी, क्योंकि किचन में रखेंगे ओपन रहेगा तो लड्डू छेड़ता है, तो अभी ये सब यहाँ रख कर दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्योंकि अभी इनको यहीं रहने दूंगी क्योंकि ना बहुत सारा सामान हो गया है और बहुत ज़्यादा टाइट भी हो गए हैं, और अभी इतना सारा सामान उसको सैनिटाइज करना और ऊपर से फिर जगह में रखना अभी बस की नहीं है, तो बस अभी के लिए यहीं रख देंगे और बाद में लगाएंगे ठिकाना। तो मैं ये ग्लव्स भी लेके आई हूँ डिश वॉशिंग के लिए। तो चलो आज का व्लॉग फिर यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल, दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ आज। मैं इस बार बहुत सारा सामान लेके आई क्योंकि बहुत टाइम से जाना नहीं हो रहा था, तो इस बार मेरे ख्याल से मैं एक महीने का नहीं दो महीने का ही लेके आ गई हूँ। तो चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अभी अपना ध्यान रख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय 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 लड्डू से बाय लड्डू से बाय बाय। ये लड्डू की कार इज वेरी एक्साइटेड फॉर हिज न्यू कार।